So now today, in the revision of acid, bases and salts, we will discuss about the chemical reactions of acids and bases. तो देखें कि ये जो एसिड्स की रिएक्शन होती हैं वो हमको मेटल्स से स्टार्ट करनी होती है, क्या कि एसिड्स का रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज बाय दिस टाइम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज जिन्होंने याद नहीं की हुई है वो याद कर लें। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की रिलेटिव पोजीशंस और हाइड्रोजन का पोजीशन, ये हमको अगर ठीक ठीक पता है तो हमें ये पता होगा कि कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दीज आर द मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। हमने हाइड्रोजन रखा भी इसीलिए था कि हमें पता चल जाए कि हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है। सो ऑल द मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम पोटेशियम टू लेड, दे ऑल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो जब एसिड्स की रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स के साथ में, तो वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन HCl से हुआ, तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कैसे चेक करते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, पॉप साउंड आवाज आएगी अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक ऑल्सो, है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड नहीं देता, हाँ नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, एसिड बेसिस पढ़ते समय भी ये बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता। इसलिए नहीं देता क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस तरह से हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं होने देगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता। ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही होती है तो उसको ऑक्सीजन दे करके वाटर बना के सेटल कर देता है। तो मेटल नॉन मेटल में भी हमने ये बात की थी, यहाँ भी हम ये बात करते हैं कि एसिड्स मेटल से रिएक्शन करेंगे तो वो HCl और H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तो करेंगे लेकिन नाइट्रिक एसिड नहीं करेगा। एक्सेप्शन है इसमें, एक चीज़ और बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड अगर हाईली डाइल्यूटेड हो तो केवल दो मेटल्स के साथ में, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये रिएक्शन कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नाइट्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डज नॉट परफॉर्म दिस रिएक्शन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाइड्रोजन को वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम इकट्ठा कर लेते हैं गैस जार में, और या इस रिएक्शन को याद कर लो आप, हमने कहा था कि ये रिएक्शन वो है जिसमें एक कंटेनर में कुछ सोपी सॉल्यूशन लेकर के और उसमें से हाइड्रोजन को निकालते हैं। जब हाइड्रोजन बनती है तो इस तरह से निकलती है कि उसके बबल्स हवा में उड़ने लगते हैं और फिर हम इजीली किसी भी बबल के पास बर्निंग स्प्लिंटर ले जा करके देख सकते हैं कि इस रिएक्शन की मैं बात करूँ। हाँ, हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, ध्यान रखें जिंक ग्रैन्यूलेटेड फॉर्म में होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स डाले और फिर उसमें एसिड डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रही है।
तो ये हाइड्रोजन निकल करके जब जाएगी तो यहाँ पे सोप सॉल्यूशन डाला हुआ है, सोप सॉल्यूशन जाएगा तो ये बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो आप एक कैंडल लेकर के जब यहाँ आओगे तो क्या होगा कि जो सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, वो जैसे ही बर्स्ट होगा हाइड्रोजन निकलेगी एंड हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड द कैंडल एक्सटिंग्विशेस इमीडिएटली। व्हाई कैंडल एक्सटिंग्विशेस इन दिस केस? बिकॉज ऑल द ऑक्सीजन अराउंड द फ्लेम इज यूटिलाइज्ड बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वहां पर काम आ गई है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गया मेटल्स के साथ में रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन क्या होगा? जैसे सोडियम कार्बोनेट इज अ मेटल कार्बोनेट, उसके साथ में हम एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड रिएक्ट्स इट टू गिव थ्री थिंग्स। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इनकी जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल इवॉल्व। हाँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, यही तीनों चीज़ें यहाँ भी बनेगी। यानी कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, एक ही रिएक्शन होगी। एक सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, जो मेटल यूज़ किया गया है इधर, यहाँ पे बाइकार्बोनेट कार्बोनेट जिस मेटल के हैं उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, वाटर बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होती है, जब आप एसिड को डालते हो सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो ये ब्रिस्क इफर्विसेंस एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो आपने MCQs में देखा भी होगा। ब्रिस्क इफर्विसेंस के साथ में एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस निकलती है, यानी कि उसका कोई कलर भी नहीं है, उसका कोई स्मेल भी नहीं है। एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है जो एक बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देती है। जब हम एक जलता हुआ कैंडल लेके जाते हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब तो हमें पता चलता है कि वो एक्सटिंग्विश हो गया, बुझ गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या था? कि पॉप साउंड से जलता है जब बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाते हैं। तो दिस रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड्स। ऑल द एसिड्स, चाहे वो वीक हो, स्ट्रांग हो, कैसे भी एसिड्स हो, दे विल ऑलवेज गिव दिस रिएक्शन। ये दो बातें हो गई, मेटल और मेटल कार्बोनेट्स बाय कार्बोनेट्स की। तीसरी बात हो गई हाउ द एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। एसिड बेस का रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर बन गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनता है। अगर एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ करेंगे तो भी यही होगा। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। इन द चैप्टर मेटल नॉन मेटल वी डिस्कस्ड कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक होंगे तो भी बेसिक और एसिडिक दोनों होंगे, तो मतलब बेसिक तो ज़रूर होंगे, और अगर एम्फोटेरिक नहीं है तो फिर वो बेसिक हैं। दे विल ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसा ही जैसा यहाँ पे हुआ है, अगर हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के बजाय HCl का रिएक्शन
सोडियम ऑक्साइड से करा दें, Na2O से करा दें, तो भी सेम दोनों चीज़ें बनेंगी, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सेम चीज़ें बनेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन और एसिड और बेस का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड्स के साथ और बेसिस का रिएक्शन एसिड्स के साथ एक ही जैसा है, न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिस ही हैं, दे हैव बेसिक प्रॉपर्टीज। आपकी बुक में इतनी ही रिएक्शंस हैं, आपने बुक देख ली होगी अब तक अच्छे से, आपको पता चल गया एसिड्स की बस हमको यही वाली रिएक्शंस याद करनी है, चार रिएक्शन। अब बेसिस का देखें कि जो बेसिस होते हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं, हाँ, अल्कली यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस कैसे रिएक्शन करेगा। बेसिस के बहुत ज़्यादा रिएक्शन है नहीं, हमको केवल दो रिएक्शन देखने हैं। एक रिएक्शन तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। अब मेटल्स के साथ में नॉर्मली बहुत सारे मेटल्स और बेसिस रिएक्शन नहीं करते आपस में, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखें कि जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब होता है तो ये एकदम आसानी से होने वाली रिएक्शन नहीं है, इसके लिए आपको हीट देना पड़ती है। तो व्हेन यू हीट दिस कॉम्बिनेशन देन जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट द सेम वे एज द एसिड्स यूज टू रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल्स और एसिड के रिएक्शन में जैसे सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, वैसे ही यहाँ भी होता है। तो जो मेटल बना है, जो सॉल्ट बना है वो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बना है, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ये वैसे ही रिएक्शन कर रहा है एक बेस जैसे एसिड करता है जिंक के साथ, लेकिन ये सिर्फ जिंक के साथ में हो रही है और रिएक्शन नहीं होती है। बेसिस का रिएक्शन अगर हम देखें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, विद नॉन मेटल ऑक्साइड, हमने एक चीज़ सीखी थी मेटल नॉन मेटल में कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं, दे आर नेवर बेसिक। तो क्या होगा कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कि हमने कहा था कि वो या तो एसिड होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, तो जो एसिडिक होते हैं उनके साथ इसकी रिएक्शन होगी, किसकी, बेस की। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसका एक्वा सॉल्यूशन लेके हम आए और इसकी रिएक्शन करा दी हमने एक नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन इज अ नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो वही होगा जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है, सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम फ्रॉम द चैप्टर वन देखते आए हैं, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, आपको याद होगा, ये लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर वन आप देख रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम इसको एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं क्योंकि ये एक बेस है और ये एसिड है, हाँ, एसिडिक प्रॉपर्टी वाला होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड की एक बेस के साथ में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी रिएक्शन है एसिड बेसिस की, इसके अलावा जो है सब सॉल्ट की है। तो एसिड बेसिस की केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बस इतनी सी हैं, आप बस याद रखें कि क्या क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखें, हमने सब बातें आपको बताई हैं।
ये हम ये सब रिएक्शंस इंक्लूडिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड का एसिड्स के साथ में रिएक्शन, ये सब बातें आपको पता चल जाएंगी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर का रिएक्शन जो कि पहले देख चुके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैन वी सी द क्वेश्चंस, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, जहाँ पर मेटल होते हैं वहाँ पर एसिड्स स्टोर नहीं किए जाते क्योंकि एसिड्स कैन रिएक्ट विद मेटल्स, सो वी डोंट कीप एसिड्स इन मेटल वेसल्स। और इनफैक्ट ब्रास इज नॉट अ मेटल लेकिन वो अलॉय है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का अलॉय है, तो वहाँ भी रिएक्शन होने का खतरा है। विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, आपने देखा हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो वो भी इसी का एग्जाम्पल था। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, वो कहते हैं कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल, तो जिंक इज द मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड देन इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। मेटल कंपाउंड ए, इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना मेटल कंपाउंड है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मेटल कंपाउंड है, तो हमने यही देखा मेटल कंपाउंड, तो ये एक्चुअली कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हमको यही समझ जाना चाहिए। टू प्रोड्यूस इफर्विसेंस, हमने कहा था ब्रिस्क इफर्विसेंस, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पक्का हो गया कार्बोनेट है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, पक्का हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, तो अगर कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, हाँ अगर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है एज अ प्रोडक्ट, हाँ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, आप बोलोगे आपको कैसे पता, ये तो लिखा ही नहीं है, तो ये इसलिए पता है क्योंकि मेटल सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो साथ में वाटर भी बनेगा और ये रिएक्शन होगी एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 और जो एसिड होगा वो HCl होगा। HCl की रिएक्शन हो रही है इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कैल्शियम कार्बोनेट में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, हमने कहा सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल और बाइकार्बोनेट का कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में एसिड्स हमेशा रिएक्शन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर बनता है। तो हम क्या करें, इसको बैलेंस कर दें, देखो बैलेंस है क्या, कैल्शियम कैल्शियम बराबर है, ये CaCO3 है, ऑक्सीजन भी 3 है और कार्बन 1 ही है, हाँ क्लोरीन यहाँ पे ज़रूर 1 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, बाकी और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, कर सकते हैं आराम से, बात समझ में आती है। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन ज़रूर देख लेना चाहिए इस तरह की चीज़ें। अब तो खैर हम जो फ़िलहाल बात कर रहे हैं वो तो MCQ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल क्वेश्चन तो वैसे ही बन रहे हैं। आपने अगर सैम्पल पेपर्स देखे हैं तो सैम्पल पेपर में वही सब दिया हुआ है, मतलब जो CBSE ने जो सैम्पल पेपर भेजा है उसमें क्वेश्चंस पूरे पूरे दे रखे हैं, हाँ जैसे दिए जाते हैं, बस ये है कि आपको MCQ की फॉर्म में है तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये तो बात हो गई कि एसिड्स और बेसिस के केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं, हम थोड़ी सी बात बेसिस के बारे में अलग से कर लें, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेसिस जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे हमने एसिड्स के लिए कहा था कि दे आर सार इन टेस्ट, दे आर करोजिव, है ना, उसी तरह की बात है कि बेसिस जो हैं
दे आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट करने में वो तो खट्टे थे, ये कड़वे हैं, बिटर इन टेस्ट। और साथ में एक चीज़ और ऐड कर लें, सोपी इन टच, दे आर सोपी इन टच, चिकने चिकने हैं। देन नंबर थ्री, बेसिस मे ऑल्सो बी करोजिव, बेसिस में डिजॉल्व इन वाटर, ऑल द बेसिस डोंट डिजॉल्व इन वाटर बट मैनी ऑफ देम डू दैट। वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। एल्कलीज मतलब वाटर सॉल्यूबल बेसिस, एंड व्हेन दे आर वाटर सॉल्यूबल दे आर गुड कंडक्टर्स, लाइक एसिड्स दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि दे ऑल्सो गेट आयनाइज्ड इन साइड देयर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, और जब ये वाटर के साथ में आएगा तो ओ एच माइनस रिलीज करेगा आयन्स। हाँ, एन ए प्लस सोडियम का आयन तो है ही, लेकिन ओ एच माइनस आयन, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल भी बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, एक ही बात है। ओ एच माइनस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। जितना ज़्यादा ओ एच माइनस आयन कंसनट्रेशन होगा उतना ज़्यादा पी एच होगा, उतना ज़्यादा ये बेसिक होगा प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये बेसिस की ये फाइव फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी है ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, और इनका एसिड्स के साथ में आप कंपैरिजन भी देख सकते हो। सब एसिड्स में H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन्स होते हैं, और कैटायन प्रेजेंट्स इन एसिड्स इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। हम जो बात कर रहे थे एक बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट, वो एक्चुअली यही है। थ्री सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा, फिक्स टू नेल्स इन अ कॉक, हमने एक वोल्टामीटर बना दिया है, प्लेस द कॉक इन 100 ml बीकर, कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 volt बैटरी। हाँ, इस बैटरी के साथ में इसको जोड़ दिया, एंड अ स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करेंट, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एसिड्स के साथ में वी सी दैट द बल्ब ग्लोज। हाँ, एसिड्स के साथ में बल्ब ग्लो करता है बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयन्स हैं सॉल्यूशन में। आयनाइज होगा तो ये ज़रूर होगा, बट इफ़ वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस, वी ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल और इन द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कोई आयन नहीं होता है, और बिना आयन के कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल। एक और इम्पॉर्टेंट बात हमसे की जाती है हमेशा कि एसिड को हम डाइल्यूट कैसे बनाएं। डाइल्यूट एसिड क्या
होता है, कैसे होता है। तो अगर हम डाइल्यूशन की बात करें तो हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन मतलब एडिंग वाटर टू एसिड, बट एक्चुअली वाटर में एसिड डिसॉल्व करना प्रोहिबिटेड है। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, किसी भी एसिड में वाटर मिक्स करना, लेकिन वो एक्चुअली वाटर में एसिड मिक्स करना होता है। हाँ, ये भरा हुआ है पानी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विद अ ग्लास स्टिरर। स्टिरर मतलब इसको स्टिर करने के लिए। नाउ वी विल ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, वी विल ड्रॉप द एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, वी विल पोर एसिड इनटू दिस ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उससे क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जब एसिड गिरेगा, साथ के साथ ही इसको मिलाते रहेंगे, इसको मूव करते रहेंगे, तो ये एसिड यूनिफॉर्मली विदाउट एनी स्प्लैश, बिना उछले हुए, ये इसका पार्ट बनता जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाटर को डायरेक्ट एसिड में क्यों नहीं डाल दे रहे, क्योंकि जब भी एसिड और वाटर मिलते हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एसिड्स के, और फिर बहुत सारी हीट निकलती है, दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसे में एसिड और वाटर का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये स्प्लैश कर सकता है आपके ऊपर, ये उछल के आपके ऊपर गिर सकता है और आपको चोट भी लग सकती है। एसिड अगर हमारी बॉडी पे गिरा या हमारे कपड़ों पे गिरा तो नुकसान होगा या चोट लगेगी, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा होने नहीं दे रहे। व्हेन वी टेक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो व्हेन एसिड इज पुट इनटू इट, मिक्स्ड इनटू इट ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल कंटिन्यूअस स्टिरिंग विद ग्लास स्टिरर, वी सी दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस। एक ड्रॉप के साथ में वाटर जब मिलेगा, वाटर विद वन ड्रॉप ऑफ एसिड जब मिलेगा, तो उतनी हीट नहीं निकलेगी जितनी आप पानी डाल देते हैं वाटर एसिड में, तो फिर आपको मिलती है। तो ये कंपेरेटिवली कम हीट निकली है, उसको भी हम स्टिर करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं थ्रू आउट द कंटेनर। तो हीट का कम क्वांटिटी में हीट का रिलीज होना और फिर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, ये सब बातें जो होती हैं ये एसिड को स्प्लैश होने से बचाती हैं। इसलिए हमको ये डाइल्यूशन की प्रोसेस समझना चाहिए। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि वाटर, हम चाहते हैं कई बार कि हमें डाइल्यूट एसिड्स मिले, तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर हमको इसे कंसंट्रेटेड बनाना है तो इसमें से वाटर को हम गायब कर देंगे। कैसे गायब कर देंगे, सिंपल है। हाँ, आप उसको वाटर को क्योंकि ये मिसेबल लिक्विड्स हैं, आप उनको डिस्टिलेशन की प्रोसेस से अलग कर सकते हो, है ना, आपको वाटर को वेपर बना करके निकालना रहेगा। एसिड का अगर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर एसिड का कम है तो एसिड पहले निकलेगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर वो बाद में निकलेगा, लेकिन अलग हो जाएंगे डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। तो आज हमने सारी केमिकल रिएक्शंस एसिड और बेसिस दोनों की देखी, बेसिस की खास करके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी रिएक्शंस देखने के अलावा, और उसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स जो कि डाइल्यूशन से रिलेटेड हैं, या फिर हमने ये जो बात की कि जो बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कल इसके आगे बात करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू न्यूट्रलाइजेशन फ्रॉम डे टू डे लाइफ एंड देन सॉल्ट्स। थैंक यू।